हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये प्रति माह से संबंधित मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये प्रतिमाह ऑनलाइन आवेदन, आवेदन और पात्रता। चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। प्रदेश के हजारों बेरोजगारों का आवेदन फार्म में अटका हक, नवीनीकरण के अभाव में अटका बेरोजगारी भत्ता। नवीनीकरण के लिए विभाग की ओर से नहीं भेजे गए मैसेज, बेरोजगारों में बढ़ रहा है आक्रोश, विभाग का तर्क। एसएसओ आईडी पर भेजी सूचना। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से भले ही 2 लाख युवाओं को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में 2.45 लाख से अधिक बेरोजगारों को उम्मीद आवेदनों की जांच में उलझी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख से ज़्यादा बेरोजगार की उम्मीद आवेदनों की जांचों में उलझी हुई है। बेरोजगारों का कहना है कि विभिन्न कमी का तर्क देकर सरकार द्वारा सत्यापन व विभिन्न कमियों का तर्क देकर लगातार आवेदन ऑनलाइन लौटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हजारों बेरोजगारों के भत्ते का हक आवेदन नवीनीकरण की उसमें अटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों का कहना है कि रोजगार कार्यालय की ओर से हर माह नवीनीकरण के लिए मोबाइल या ईमेल पर नवीनीकरण मैसेज भेजा जाता है, लेकिन इस साल कोई मैसेज नहीं आने की वजह से बेरोजगारी भत्ता खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ विभाग के जिम्मेदारों का दावा है कि सभी संबंधित बेरोजगारी की एसएसओ आईडी पर ऑनलाइन आवेदन के नवीनीकरण की सूचना भेजी जाती है। 562.91 करोड़ का किया भुगतान। सरकार का दावा है कि लगभग 2.25 साल के कार्यकाल में प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों को 562.91 करोड़ का भुगतान किया गया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ते की योजना के तहत चयनित बेरोजगारों को 3,500 से 3,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। 2 दिन पहले कौशल विकास मंत्री ने यह दावा किया है कि चयनित बेरोजगारों को अधिकतम 2 साल तक योजना का लाभ दिया जाता है, ताकि सभी बेरोजगारों को भत्ते का लाभ मिल सके। बेरोजगारी भत्ते की आस में लगातार युवाओं की ओर से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पिछले साल महीने में 2.45 लाख अधिक युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन ज़्यादातर युवाओं के आवेदन सत्यापन के नाम पर अटके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, विभाग की लापरवाही और बेरोजगारों का दर नहीं आया कोई मैसेज, 4 महीने से भत्ता बंद। सीकर निवासी बेरोजगार श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि पिछले 1 माह से लगातार बेरोजगारी भत्ता मिला, लेकिन मई महीने में भत्ते की राशि नहीं आ रही। इस मामले में कार्यालय से पता किया है तो मुखी मामला किया तो सामने आया कि आवेदन फार्म का नवीनीकरण नहीं कराने की वजह से पैसा अटका है, कि विभाग ने उल्टा बेरोजगार पर थोपी गलती। मई में भरा फार्म, अब तक नहीं मिला भत्ता। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है। पहले लगातार भत्ता मिल रहा था, लेकिन ज़्यादातर बेरोजगारों के नहीं हो पा रहे पंजीयन। कोरोना ने फिर उलझाई बेरोजगारों की आस। जी हाँ, पुराने आवेदन भी जाँच में उलझे हैं। 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है। सीकर में प्रदेश के बेरोजगार भत्ते की आस से कोरोना फिर से उलझ गई। ई मित्रों केंद्रों पर चिरंजीवी योजना को छोड़कर अन्य कार्य होने की वजह से प्रदेश के बेरोजगार युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बेरोजगारों ने पिछले महीने आवेदन किए थे उनके फार्म की भी जांच के तौर पर के फेर में उलझ गए। रोजगार काले में पिछले 10 दिनों से कामकाज पूरी तरह प्रभावित थे। फिलहाल प्रदेश के 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो भत्ते का मिल रहा था, लेकिन अब भत्ता नहीं मिल रहा है। पिछले इधर 3 लाख से अधिक युवाओं को स्नातक परीक्षा से स्थगित होने की वजह से भत्ते की आस दूर हो गई। पिछले साल युवाओं को कोरोना में से लगभग 6 महीने तक आवेदन नहीं कर पाए थे। इधर सरकार ने वित्तीय वर्ष नए प्रावधानों के तहत भत्ता बांटने की बात कही। नया बदलाव नहीं शुरू हो सका 3 महीने का प्रशिक्षण। सरकार ने वित्तीय वर्ष बेरोजगारी भत्ते से पहले 3 महीने का बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। कोरोना की वजह से युवाओं का प्रशिक्षण भी ज़्यादातर जिलों में शुरू नहीं हो सका। योजना के अनुसार बेरोजगारों को पहले 3 महीने तक रोजाना जाना 4-5 घंटे प्रशिक्षण मिलना है। अब हर साल 2 लाख को भत्ते की योजना से पहले प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को
फायदा दिया जा रहा था। सरकार की घोषणा के अनुसार इस साल से प्रदेश के 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को फायदा मिल सकेगा। इस योजना पर हर साल 650 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होनी प्रस्तावित है। प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों को मजबूरी। बेरोजगारों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों की पीड़ा यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया। ऐसे में बस सैद्धांतिक कक्षाएं तो शुरू कर सकते हैं लेकिन प्रायोगिक कक्षा शुरू करने में दिक्कत आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कितने बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है ये देखिए किस जिले में कितने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जयपुर के अंदर है 153,675, सीकर के अंदर है 121,456 है, और अजमेर के अंदर है 39,400, अलवर के अंदर 103,841, और बांसवाड़ा में 29,174, बारा में 29,138 है, बाड़मेर में इसी तरह। ये सारे ज़िले में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर सभी ज़िलों के अंदर, लगभग टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर सारे ज़िलों के अंदर इन बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है। पिछले साल पिछले कई महीने से पहले कि पिछले मई के महीने से इनको इनको भत्ते का भत्ता नहीं मिल रहा। पिछले 2 साल से तो भत्ता मिल रहा था इनको सरकार के हाथे ही, अब ये भत्ता अटक गया है फिर से, किसी न किसी कारण से अटका दी गई है। सरकार द्वारा इस भत्ते को जल्द से जल्द वापस स्टार्ट किया जाएगा और बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।